गणेश जी का पूजन होकर के डोला राधा कृष्ण के मंदिर से लेकर के डाकखाना चौराहे होते हुए रामलीला ग्राउंड में हनुमान मंदिर पर आया है, तब से रामलीला का शुभारम्भ हुआ है। उसके बाद कल भगवान राम का जन्म हुआ था राधा कृष्ण के मंदिर पर। भगवान राम के जन्म के बाद अब आज भगवान राम रामलीला ग्राउंड में आए हैं डूले में बैठ और यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे जानकी बाजार में। उसके बाद रामलीला ग्राउंड में आएंगे, ग्राउंड में आने के बाद फिर लीला होगी जिसमें ताड़का का पद होगा, ठीक है। और कल फिर दोबारा से रामलीला ग्राउंड में आएंगे, फूल वाटिका होगी, जो लीलाएं होती हैं हमेशा की तरह वो सारी लीलाएं यहाँ होकर के फिर बाबे टोला राधा कृष्ण के मंदिर में चला जाएगा। परसों तारीख 29 को राम बारात बड़े भव्यता के साथ सभी के सहयोग से, और आप मीडिया के लोगों के का भी बहुत उसमें सहयोग रहता है जिससे प्रसाद विचार होता है। आप अपना यूट्यूब पर चलाते हैं और फेसबुक पर चलाते हैं, इससे सभी लोगों को मालूम पड़ जाती है कि भाई रामलीला फिरोजाबाद की उत्तर भारत की प्रसिद्ध रामलीला शुभारम्भ हो गई है। और सभी लोग पूरे दूर दराज से देहात के लोग बहुत आते हैं बारात वाले दिन, और फिर लगातार रामलीला यहीं पर ग्राउंड में आए दिन होती रहेगी। जैसे जैसे लीला लिखी गई है आपको हम लिखित में एक कागज़ देंगे, उसमें सारे तिथि द्वारा तिथि और तारीख द्वारा सभी बातें उसमें लिखी हैं, और उसी प्रकार से पूरे रामलीला का मंचन होगा। और यहाँ का दशहरा बहुत भव्यता के साथ मनाया जाएगा। जिस भव्यता के साथ दशहरा मनाया जाएगा उस दिन कार्यक्रम भी बहुत बड़ा होगा। रात को जो शालिनी शर्मा हैं जो मथुरा की, उनको बुलाया गया है भजन संध्या के लिए। बहुत अच्छी अच्छी कलाकार उस भजन संध्या में सम्मिलित होंगे, और रामलीला में अनेकों कार्यक्रम होंगे। तारीख वाइज उसमें कागज में सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, और आपका सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। हमको इस आपके माध्यम से इसका प्रसार प्रचार भी होता रहे, अखबारों में भी जाता रहे, जिससे लोग 29 सितंबर दिन रविवार साय 6 बजे से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य राम बारात पूरे नगर क्षेत्र में निकाली है, जो राधा कृष्ण के मंदिर से प्रारंभ होकर घंटाघर से सदर बाजार और गंज होती हुई रामलीला मैदान में आएगी। और इसमें मैं दर्जनों आकर्षक एवं भव्य झांकियां इस बार देखने को मिलेगी, और काली अखाड़े बैंड बाजे के साथ पूरे नगरवासी इस भव्य राम बारात में शामिल होने होंगे, और ऐतिहासिक राम बारात इस बार निकलेगी। और इस बार का जो संयोजक बने हैं राजेश झाजी बने हैं, और हमारे श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री श्याम सिंह यादव जी, राम नरेश कटारा जी, नीतेश अग्रवाल जी, हरिओम वर्मा जी, डॉक्टर विजय कुशवा जी, अनूप झा जी, और हमारे आदर्श और हम सब के अभिभावक श्री पंडित मुन्नालाल शास्त्री जी, पंडित विनय शर्मा जी, और राम बारात कमेटी के हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री गुट्टा पहलवान जी, और तमाम सनातन धर्म प्रेमी इस भव्य राम बारात की निकालने के लिए इच्छुक हैं। पूरे नगरवासी और सभी से सनातन धर्म प्रेमियों से अनुरोध है कि इस भगवान श्री राम की राम बारात में शामिल हो और इस राम बारात को सफल बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम।